अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ मशीन। मेरा नाम नवीद, आज मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक डिफरेंट टूल का रिव्यू शेयर करूंगा। टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कार्डलेस इंपैक्ट रेंच का रिव्यू शेयर करूंगा, जिसे हम इंपैक्ट गन भी बोलते हैं और इसको उर्दू में टाइटर भी बोलते हैं। ये गाड़ियों के काबले वगैरह, इंजनों के काबले वगैरह खोलने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे पास एक कंपनी है, लाट के अंदर आया है। लाट मैं आपको समझा देता हूँ कि जब किसी बाहर आउट ऑफ कंट्री जाए ना, तो वहाँ से जब हम कंटेनर भरते हैं तो कंटेनर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि लाट में हमें मिल जाती हैं, यानी कि वहाँ पर पड़ी होती हैं और हम उनको अपने कंटेनर में डाल लेते हैं। तो इसी तरह से ये लाट के अंदर आई है, बिल्कुल डिब्बा बंद जीरो मीटर मशीन है। अक्सर लोग समझते हैं कि लाट के अंदर पता नहीं पुराना माल आता है, तो पुराना नहीं, नया माल भी आता है लाट के अंदर। तो ये यूरोप स्टैंडर्ड की, जो कि यूरोप कंट्री में जाकर यूज़ होने वाली जो मशीन है ना, ये वो मशीन है। अभी कम्प्लीट अनबॉक्सिंग करेंगे। 21 वोल्ट के अंदर है, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है 21 वोल्ट, टेक टूल कंपनी की ये जो मशीन है। तो ये एक डिब्बा मेरे पास पड़ा हुआ है। वो लोग जो कारों वगैरह के नट खोलते हैं, मोटरसाइकिलों के नट खोलते हैं, या जो इंजनों के काबले वगैरह खोलते हैं, मतलब के जो छोटी गाड़ी होगी, यानी कि 24 नंबर तक की गोटी आप इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग करते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके इसके साथ क्या क्या सामान और क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। जब भी डिब्बा ओपन करेंगे, आपको सबसे पहले इसके साथ इसकी इंस्ट्रक्शन बुक मिलती है, ठीक है। इसको हम साइड पर करते हैं। इसके साथ आपको इसका चार्जर मिलता है। चार्जर मॉडल नंबर लिखा हुआ है, इनपुट AC 100 और 240 लिखा हुआ है, 50-60 फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद आउटपुट इसकी जो है 21 वोल्ट 2 एम्पीयर का है, ठीक है। और इसके साथ आपको डबल बैटरी देखने को मिलती है। अगर बैटरी की बात करें तो अच्छी खासी वजनी बैटरी है, 21 वोल्ट मैक्स की बैटरी है, ये लिथियम बैटरी है। अगर इसकी बैटरी आप वज़न की बात करें तो अच्छी वज़नी है, ठीक है, हल्की बैटरी नहीं है, क्वालिटी में बहुत अच्छी है। डबल बैटरी आपको मिलती है, इससे ये होता है कि एक अगर आपकी डाउन हो गई है तो दूसरी बैटरी आप इस लगा के ना तो अपना काम कर सकते हैं। और इसके साथ आपको ये इसका एक बेल्ट मिलता है और इसके कुछ वाशरें वगैरह मिलती हैं और एक गोटी मिलती है आपको। अब ये जो गोटी है ना, ये गोटी है 22 नंबर की, ठीक है, यानी कि 22 नंबर की गोटी साथ भेजी है। इसका मतलब कि आप 22 नंबर तक की गोटी तो इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन आप 24 नंबर की गोटी भी इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके काम के हिसाब से डिपेंड हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारी मशीन है, ठीक है, आपको मैं मशीन दिखा देता हूँ। ये देखिए मशीन चेक करें, ये हमारी 1/2 आधी इंच इसको साइज़ होता है, ये आधी इंच की ये मशीन है, यानी कि इसके आगे जो गोटी लगेगी ना वो आधी की लगेगी, ठीक है। तो अब मैं आपको बैटरी लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने देख लेना कि बैटरी आपकी फुल चार्ज होनी चाहिए। मैं भी इसको ओपन करके आपको बैटरी लगा के दिखाता हूँ कि बैटरी हमारी चार्ज भी है कि नहीं। चार्ज करने के बाद आप इसको चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। जब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाए तब आपने इसको यूज़ करना, ठीक है। तो ये चार्जर है, चार्जर को यहाँ पर रख लेते हैं जी। जब आप चार्जर को ऑन करेंगे ये ग्रीन लाइट शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप इसके ऊपर बैटरी लगाएंगे ना तब ये पता चलेगा कि ये ग्रीन लाइट जो है वो रेड में चेंज हो गई या नहीं। ये रेड लाइट हो गई है, अभी ये ग्रीन होगी, ठीक है। ये इसका मतलब कि बैटरी अभी चार्ज है, ठीक है, लेकिन जब ये रेड लाइट शो करेगा ना उसका मतलब कि बैटरी नहीं चार्ज है। तो अब आपने इसको चार्ज करना, ठीक है। जब आपने बैटरी को उतारना इस तरह से आसानी के साथ आपने इसको उतार लेना है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखने के बाद ये चीज़ आपने इस तरह से ऊपर रखनी है और ये जो हमारा इस तरह से लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब ये लॉक हो गया तो ये हमारी जो बैटरी है वो ऑन हो गई है। ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप चक्कर चेंज कर सकते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड करना होगा, यहाँ से प्रेस करेंगे ये हमारा चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, सबसे पहले TT जो है ना IMW इसका मॉडल नंबर है। उसके बाद नीचे इसकी नॉन लोड स्पीड है 3300 RPM। उसके बाद नीचे इंपैक्ट फ्रीक्वेंसी है 3000 RPM और मैक्सिमम टार्क इसका जो है ना 360 Nm टार्क है इसका मैक्सिमम, ठीक है। तो बड़ी ज़बरदस्त मशीन है। अभी आपको मैं ना प्रैक्टिकल कोई काबला वगैरह खोल के चेक करवाता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये बैटरी मैंने लगा ली है, अब मैं आपको काबला खोल के दिखाता हूँ। ये 22 नंबर का काबला है, ठीक है। ये वेल्डिंग मशीन है, DC इन्वर्टर सुना गुटका प्लांट जिसे हम देसी प्लांट कहते हैं। तो इसका जो ये काबला है ना, ये 22 नंबर का काबला होता है, ठीक है। अब इसको हम खोलेंगे, सबसे पहले आपने चक्कर चेक कर लेने हैं इसके चक्कर जो है वो किस तरह, ठीक है। अब ये फुल टाइट काबला है इस टाइम, तो अभी मैं आपको खोल के चेक करवाऊँगा। ये आपके सामने ही मैंने लगा दी है, ये देखें, ये इसने काबला खोल दिया, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये देखें, ठीक हो गया। अब ये वाला दूसरा काबला खोलते हैं, ये भी इसने खोल दिया, ठीक हो गया। तीसरा काबला खोलते हैं जी, ये भी इसने खोल दिया, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया।
ये आखिरी काबला है, इसको भी खोल के देखते हैं। ये जी ठीक हो गया, ये काबला इसने खोल दिया। ये फुल टाइट होते हैं, आपके सामने मैंने इसी के साथ खोला। अब इसको बंद करना है, इसको चक्कर चेंज करें यहाँ से। ये बंद हो गया, ये भी टाइट हो गया। अब इसको टाइट करते हैं, ये देखें ये भी टाइट हो गया। ज़्यादा कसाई नहीं डालनी, जब आपको पता चल जाता है जब इसको मैं टाइट करूँगा ना, देखें ये देखें मैंने इसको टाइट किया ना, अब जब मैं इसको करूँगा अब मुझे पता चल गया फुल टाइट हो गया। ठीक है ये देखें, अब ये खुलेगा नहीं काबला, जैसे मर्जी इसको चेक करें। ये देखें ठीक है, ये फुल टाइट हो गए हैं काबले। तो ये जो मशीन है ना, ये बहुत ज़बरदस्त मशीन है, इसे आप हल्की क्वालिटी की मशीन मत समझिएगा, बहुत अलग क्वालिटी की मशीन है ये वाली। ठीक है, तो जिस भाई को भी चाहिए होगी, डबल बैटरी के साथ है, चार्जर इसके साथ अवेलेबल है, चार्जर भी है, बैटरी भी है, एक गोटी भी साथ लगी हुई है। उसके अलावा आपको इसका जो ये ग्रिप सा भी मिल जाता है, ये यूरोप स्टैंडर्ड की मशीन है, यूरोप स्टैंडर्ड की। तो जिस भाई ने भी लेनी है, डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है, आप किसी भी शहर में मंगवा सकते हैं। ठीक है, इसकी जो कीमत होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अपना टाइम मत ज़ाया करिएगा, अगर अच्छी चीज़ लेना चाह रहे हैं तो मुझसे रब्ता कर लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।